हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। ये आज हमारा ओशनोग्राफिक क्लाइमेटोलॉजी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 33 है। एंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे ओशन टाइड्स को। प्रीवियस पार्ट में हमने सभी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने टाइड्स की कवर कर ली थी, कैसे हमारा फोर्स लग रहा ड्यू टू मून एंड सन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाई टाइड के बारे में कि हमारा हाई टाइड कैसे आता है, लो टाइड कैसे आता है। ठीक है, तो हाई टाइड के केस में आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है, ये मून है, इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, एंड ये सन है। ठीक है, तो जब भी हमारे एक स्ट्रेट लाइन में, एक लाइन में जब हमारे अर्थ, मून एंड सन रहते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है। ठीक है, एडअप हो गया। तो एडअप होने की वजह से यहाँ पर जो टाइड आएगा वो हमारा हाई टाइड आएगा। ये बात समझ में आ गई। मून चाहे इधर हो या फिर इस तरफ हो, ठीक है, दोनों कंडीशन में जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का एंड मून का, वो एडअप हो जाता है, एंड जिसकी वजह से हमको हाई टाइड देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि अगर मून इस पोजीशन पे है, ये यहाँ पे सन है, ये अर्थ है, ठीक है, अगर मून यहाँ पे है तो इस मून को बोलते हैं हम न्यू मून, एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे तो उसको बोलते हैं हम फुल मून। ठीक है, ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड सन इज सेट टू बी इन कंजक्शन प्रोड्यूसिंग अ न्यू मून। ठीक है, तो जब हमारा मून जो है इन बिटवीन होता है अर्थ के एंड सन के, उसको क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं, एंड इस पॉइंट को हम कंजक्शन पॉइंट बोलते हैं, कंजक्शन पोजिशन होती है हमारे मून की। ठीक है, और अगर अपोजिशन साइड में, अपोजिट साइड में, तो उसको क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं। ठीक है, इन द बोथ केस कंजक्शन एंड अपोजिशन द टाइडल जनरेटिंग फोर्स ऑफ सन एंड मून आर एड टूगेदर। ठीक है, वही बात मैं आपको बता रहा था कि दोनों केस में हमारा अगर कंजक्शन हो या अपोजिशन हो, फुल मून हो या न्यू मून हो, दोनों केस में क्या होता है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का एंड सन का, सॉरी मून का एंड सन का, दोनों का एडअप हो जाता है, एंड जिसकी वजह से हमारा हाई टाइड देखने को मिलता है, जिन टाइड को हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। ठीक है, द रिजल्ट इज डैट रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट द न्यू मून एंड फुल मून फेज प्रोड्यूज अ स्प्रिंग टाइड विद द मैक्सिमम टाइडल रेंज। ठीक है, जिनकी वजह से हमारा बहुत हाई टाइड आते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं लो टाइड की। लो टाइड के केस में क्या होता है, देखो, लो टाइड के केस में हमारा सन यहाँ पे है एंड मून यहाँ पे है, ठीक है, क्वाड्रेंट पॉइंट पे होता है, तो जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, सॉरी सन का एंड मून का, वो एक दूसरे के अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो कुछ टाइड तो यहाँ पे आएंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, एंड कुछ टाइड यहाँ पे आएंगे ड्यू टू मून। तो कुछ टाइड यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ टाइड यहाँ पे आ रहे हैं, जो चारों तरफ टाइड आ रहे, तो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, एंड इनकी वजह से यहाँ पे हमारा लो टाइड्स आते हैं। ठीक है, जिनको हम नीप टाइड भी बोलते हैं, एंड जो उनकी पोजीशन है सन की एंड मून की, वो राइट एंगल होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे का अगेंस्ट होता है, और जो हमारा टाइड आएगा वो लो टाइड आएगा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अब स्प्रिंग टाइड के बारे में हमने बात किया, तो स्प्रिंग टाइड क्या होते हैं, वेरी हाई टाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टाइड होते हैं। ठीक है, सन मून एंड अर्थ इन सेम लाइन, बिल्कुल सेम लाइन में होते हैं। कंजक्शन पॉइंट किसको बोलते हैं, कंजक्शन कब बोलेंगे हम, जब हमारा सन यहाँ पे होगा, मून यहाँ पे होगा एंड अर्थ यहाँ पे होगा, तो इसको हम न्यू मून भी बोलते हैं, एंड ये हमारा पोजीशन है, कंजक्शन की पोजीशन है। ये बात समझ में आ गई। आगे डिस्कस करते हैं अपोजिट के केस में क्या होगा, अपोजिशन के केस में क्या होगा कि हमारा जो सन है यहाँ पे अर्थ रहता है एंड यहाँ पे हमारा मून रहता है। ठीक है, जब हमारी अर्थ होती है, अर्थ बिटवीन द सन एंड मून, इसको क्या बोलते हैं, अपोजिशन वाली कंडीशन रहती है, और उस केस को हम फुल मून बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून क्या होता है, एडअप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्प्रिंग टाइड होती है, स्प्रिंग टाइड आती है। हाइट ऑफ द स्प्रिंग टाइड आर मोर देन द नॉर्मल टाइड, जो हमारी हाइट होती है स्प्रिंग टाइड की, वो कहीं ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, किससे, नॉर्मल टाइड से। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, स्प्रिंग टाइड्स ओकर ट्वाइस एवरी मंथ। ठीक है, ये ट्वाइस आते हैं एवरी मंथ में। बात करते हैं नीप टाइड की। नीप टाइड को मैंने वही डिस्कस कर लिया, आपको समझ लो ऑलरेडी, यहाँ पे हमारा मून रहता है एंड ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट होता है, तो कुछ टाइड हमारे यहाँ पे आएंगे एंड कुछ टाइड यहाँ पे आएंगे, एंड मून की वजह से कुछ टाइड यहाँ इस वाले पोजीशन पे आएंगे, कुछ टाइड इस पोजीशन पे आएंगे, तो इस केस में क्या करते हैं, दोस्तों बैलेंस कर लेते हैं, एंड जिसकी वजह से हमारा लो टाइड्स आता है, जिसको क्या बोलते हैं हम,
नीप टाइड बोलते हैं, जो हमारा मून है वो हमारा क्वाड्रेंट पॉइंट पे रहता है, ठीक है भाई। व्हेन अ मून एट क्वाड्रेंट पॉइंट ड्यू टू टैड देर इज अ टाइड इज कॉल्ड नेप टाइड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, नेप टाइड बोलते हैं। ये हमारे लो टाइड्स होते हैं, ठीक है। और जो इनकी हाइट होती है वो 20% लो लेस देन द नॉर्मल टाइड्स, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, पोजीशन मून की, यानी यहाँ पे सन है, ये यहाँ पे सन है, ठीक है भाई। चलो आगे डिस्कस करते हैं, अब बात करते हैं ट्रॉपिकल टाइड्स की। ये ट्रॉपिकल टाइड्स क्या होते हैं? तो जैसे हमारा सन का, सन की रेज पड़ती है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कभी कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, कभी हमारा नदन हेमिस्फीयर में समर आता है, कभी हमारा सदन हेमिस्फीयर में समर आता है, ठीक है। ठीक है, तो मीन्स कभी हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, कभी हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होता है, ठीक है। मूव तो खैर अर्थ ही करते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे ही हमारा क्या करता है, मून का भी मूवमेंट होता है, कभी हमारा मून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, कभी हमारा मून ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होता है। एंड इस वजह से, ठीक है, मून के इस मूवमेंट की वजह से एंड मून की इस पोजिशन की वजह से जो टाइड्स आते हैं उन्हीं टाइड्स को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल टाइड्स, ठीक है। तो ड्यू टू नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड पोजिशन ऑफ द मून एंड ट्रॉपिकल्स एंड टाइड्स आर जनरेटेड, ठीक है। ट्रॉपिकल टाइड्स से होते हैं, जनरेट होते हैं। मून जो है जो कंप्लीट करता है अपना रिवोल्यूशन नॉर्थ से साउथ पोजीशन में, वो 27.5 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सोनटिक मंथ बोलते हैं, ठीक है। टाइड्स ऑफ द एबनॉर्मल हाइट्स प्रोड्यूस एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आर कॉल्ड द ट्रॉपिकल टाइड्स। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है हमारा इक्वेटोरियल टाइड्स, किसको बोलते हैं, ये इक्वेटोरियल टाइड क्या होते हैं? तो इक्वेटोरियल टाइड में क्या होता है कि जब हमारा अर्थ, सॉरी मून हमारा जस्ट अबव द इक्वेटर, जब हमारा इक्वेटर के ऊपर होता है, तो उस टाइम पे हमारे दो तो हाई टाइड आते हैं, दो लो टाइड होते हैं, दो लो टाइड आते हैं जो हमारे इक्वल होते हैं, और उन्हीं टाइड्स को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल टाइड बोलते हैं, ठीक है। इसको अच्छे डायग्राम से समझ लो। जैसे मान के चलो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, तो जब हमारा मून यहाँ पे होगा ना, तो उस टाइम पे हमारे जो टाइड्स जनरेट होंगे उन्हीं टाइड्स को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल टाइड बोलते हैं। बस समझ में आई है वाली। सो व्हेन द मून इज जस्ट अबव द इक्वेटर द हाइट ऑफ द टू हाई टाइड एंड टू लो टाइड्स आर सिमिलर, सच टाइड्स आर कॉल्ड द इक्वेटोरियल टाइड। उस टाइप के टाइड्स को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल टाइड्स बोलते हैं। सॉरी यहाँ पे हाई टाइड लिखे ना आप, हाई टाइड, टू हाई टाइड एंड टू लो टाइड आर सिमिलर, सच टाइड आर कॉल्ड द इक्वेटोरियल टाइड्स, ठीक है भाई। अभी अपोजियन पेरिजियन कुछ पोजीशन होते हैं हमारे मून की, तो जो अपोजियन टाइड होगी वो क्या होगी, अपोजियन टाइड में क्या होता है, मतलब जो मून इज फर्दर पोजीशन ऑफ द मून, ठीक है। मतलब हमारा मून क्या होता है, दूर होता है अर्थ से, और जिसकी वजह से जो टाइड आती है उसको क्या बोलते हैं, अपोजियन टाइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये वाला केस है अपोजियन वाला, ठीक है। मून यहाँ पे है एंड अर्थ यहाँ पे हमारा है, तो उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है बीच में, ठीक है। तो इसकी वजह से जो टाइड होगी, इसकी वजह से जो टाइड आएंगे उन टाइड को क्या बोलेंगे, अपोजियन टाइड बोल लेंगे, ठीक है। सो ड्यू टू दिस द टाइडल फोर्स जो होता है, टाइडल फोर्स ऑफ द मून इज मिनिमम, ठीक है। तो जो टाइडल फोर्स है अपोजिशन के केस में क्या होता है, अपोजिशन के केस में मतलब मून जो टाइडल फोर्स लगाता है वो बहुत कम लगाता है, जो जो हमारी टाइड की जो हाइट होती है वो लगभग 20% लोअर होती है देन द नॉर्मल टाइड, ठीक है। पेरिजन के टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज मिनिमम, ठीक है। मतलब क्या है कि नियरेस्ट पोजिशन होती है हमारी मून की, ठीक है, क्योंकि हमारा जिस पेरिजन टाइम में क्या होता है, हमारा जो अर्थ है, जो हमारा मून है वो काफ़ी नज़दीक होता है अर्थ के, जिसकी वजह से हमारा टाइडल फोर्स, जो हमारा जो टाइडल फोर्स लगाएगा वो मैक्सिमम हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा जो टाइड आएगा वो लगभग वो काफ़ी हाई टाइड आता है, जिसकी जो हमारा वो 20% मोर देन द नॉर्मल टाइड, मतलब 20% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो कंपेयर टू नॉर्मल टाइड इन द केस ऑफ द पेरिजन टाइड। ये बात समझ में आ गई। ये डायग्राम से आप इसको समझ लेना, डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो रहा है। अपोजिशन केस में क्या होता है कि हमारा मून काफ़ी दूर रहता है अर्थ से, एंड पेरिजन के टाइम में हमारा मून नज़दीक होता है अर्थ के। चलो आगे डिस्कस करते हैं। अगर हमारा अपोजिशन
कॉइंसाइड विद द स्प्रिंग टाइड, अगर स्प्रिंग टाइड हो जाए एंड अपोजिशन हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो हाइट है टाइड की वो 15.4% की हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है ठीक है, अपोजिशन टाइम भी अगर हमारा अपोजिशन टाइम एंड स्प्रिंग टाइड क्या हो जाए आपस में कॉइंसाइड कर जाए तो हाइट क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है क्योंकि स्प्रिंग टाइड हो रहा है। अगर हमारा अपोजिशन हो एंड नीप टाइड हो जाए ठीक है तो बहुत ज़्यादा लो टाइड्स आएंगी ठीक है, क्योंकि बहुत कम हमारा क्या लगेगा टाइडल फोर्स लगेगा, तो डिक्रीज द हाइट ऑफ द टाइड, हमें जो टाइड की जो जो हाइट है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाती है अगर हमारा एक साथ कॉन्सेंट हो जाए अपोजिशन एंड नीप टाइड ठीक है। नेक्स्ट है अगर हमारा पेरिजियन एंड स्प्रिंग टाइड के साथ हो जाए, पेरिजियन और अगर स्प्रिंग टाइड आपस में एडअप हो जाए जिसकी जो उसकी वजह से हमारे काफ़ी हाई टाइड आते हैं, मीन्स एबनॉर्मल हाइट्स ठीक है, मतलब काफ़ी हाई टाइड आते हैं इसकी वजह से, अगर मेरा स्प्रिंग टाइड एंड पेरिजियन टाइम और क्या हो जाए एडअप हो जाए, ये पेरिजियन क्या हुआ, स्प्रिंग टाइड क्या हुआ, अपोजिशन क्या हुआ ठीक है, ये सब कुछ तो आपको क्लियर हो गया होगा, इन डायग्राम से मैंने आपके सामने अच्छे से डिस्कस कर लिया ठीक है। ये बस जस्ट पोजिशन है हमारी मून की, अर्थ की एंड सन की ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान में रखना, इतना कुछ है ना इनमें ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेमी ड्यूनल टाइड किसको बोलते हैं, बता दें सेमी ड्यूनल टाइड्स, देखो सेमी ड्यूनल टाइड का हमने ऐसी क्लासिफिकेशन किया है, इन द मेजर पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन देयर आर टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स ड्यूरिंग द ईच सोलर डे, जो हमारा अटलांटिक ओशन का पार्ट है उसमें क्या होता है हमारा हर एक सोलर डेज में हमारे टू हाई टाइड आते हैं एंड टू लो टाइड आते हैं ठीक है, ओकरिंग अप्रोक्स इन द 24 आवर एंड 25 मिनट ठीक है, इनका जो टाइम है वो 24 आवर एंड 15 मिनट है, ईच हाई टाइड बींग द सेम लेवल, तो जिसकी जो ईच हाई टाइड है उसका क्या होता है सेम लेवल रहता है, कॉल्ड द सेमी ड्यूनल टाइड, उस टाइप के टाइड्स को क्या बोलते हैं हम सेमी ड्यूनल टाइड बोलते हैं ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना डेफिनेशन इसकी। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स टाइड की, मिक्स टाइड क्या होता है ठीक है, सो मच ऑफ द पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन देयर आर ऑल्सो टू हाई टाइड एंड टू लो टाइड इन अ डे, जो हमारा पैसिफिक ओशन है एंड इंडियन ओशन है वहाँ पे भी हमारे टू हाई टाइड आते हैं एंड टू लो टाइड आते हैं, हाउएवर देयर एम्पलीट्यूड आर डिफरेंट, उनके एम्पलीट्यूड क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, द हाइट ऑफ द हाई टाइड इन द ओशन इज नॉट इक्वल, जो हमारा हाई टाइड है उनकी हाइट क्या होती है इक्वल नहीं होती है, वाइल द लो टाइड आर रिमेन कॉन्स्टेंट, जो लो टाइड होते हैं उनकी जो जो हाइट है वो कॉन्स्टेंट रहती है ठीक है, एंड समटाइम अपोजिशन अपोजिट हैपन्स, मतलब कभी इसका अपोजिट हो जाता है कि जो हमारे हाई टाइड है वो तो सेम रहेंगे लेकिन जो लो टाइड है वो डिफरेंट रहेंगे ठीक है, मतलब इसका अपोजिट हो जाता है, फर्स्ट केस में तो ये है कि भाई जो हमारा हाई टाइड है उसकी हाइट तो हमारी इक्वल नहीं है लेकिन लो टाइड की जो है वो हाइट है वो कॉन्स्टेंट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो लो टाइड है उनकी हाइट तो अनइक्वल हो जाती है एंड जो हाई टाइड है वो क्या हो जाते हैं कॉन्स्टेंट हो जाते हैं ठीक है, तो इस टाइप के टाइड्स को हम क्या बोलते हैं हम मिक्स टाइड बोलते हैं, अगर हमें इस टाइप का टाइड्स आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम मिक्स टाइड बोलेंगे, ये कहाँ कहाँ पे आएगा पैसिफिक में एंड इंडियन ओशन में उनको देखने को मिलता है ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब ड्यूनल टाइड क्या होता है, ड्यूनल टाइड को हम वन टाइड्स वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड इज कॉल्ड दैट ड्यूनल टाइड, अगर हमारा एक हाई टाइड आ रहा है और एक लो टाइड आ रहा है उस टाइप के टाइड्स को क्या बोलते हैं हम ड्यूनल टाइड बोलते हैं ठीक है, ये जनरेटेड इन सर्टेन स्पेसिफिक, ये क्या बोलते हैं कि स्पेसिफिक रीजन्स पे क्या होते हैं जनरेट होता है, एग्जांपल के जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, फिलीपींस हो गया, आइलैंड हो गया, कोस्टल सी ऑफ द अलास्का एंड नियर द कोस्ट ऑफ द चाइना ठीक है, कोस्ट जो चाइना के आसपास क्या होते हैं ये हमारे ड्यूनल टाइड हमारे क्या होते हैं फॉर्म्ड होते हैं, और इसमें एक हाई टाइड आता है एंड एक लो टाइड आता है ठीक है, ओनली वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड ड्यूरिंग द 24 आवर ठीक है, जो हमारा एक हाई टाइड एंड एक लो टाइड हमारा 24 आवर में आता है ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है, ये तो बात समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट है सेमी ड्यूनल टाइड एंड मिक्स टाइड पूछे गए हैं एग्जाम में ठीक है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना कि कैसे इनका कैसे हाई टाइड एंड लो टाइड आ रही है ठीक है, और ये टाइम ध्यान रखना 24 आवर एंड 25 मिनट, सो ये क्लासिफिकेशन था। अब एक टर्म आती है टाइडल बोर, टाइडल बोर क्या होता है, टाइडल बोर, सो देखो टाइडल बोर को आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो, पहले मैं डायग्राम ही दिखाता हूँ,
देखो ये पूरा ओशियन है, ठीक है, यहाँ से इसमें एक रिवर आ रही है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि टाइड्स आने की वजह से जो हमारा ओशन वाटर है ना, वो रिवर आनी चाहिए, रिवर का वाटर इसमें आना चाहिए, ठीक है, आइडल केस में। लेकिन ओशन का वाटर क्या करता है, इस रिवर से इस तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देता है, मतलब रिवर के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है ओशन वाटर, ठीक है। ये रिवर इधर को बह रही है, लेकिन एक साइड से क्या होगा, वॉल क्रिएट, एक वॉल टाइप क्रिएट हो जाएगा, एंड ओशन वाटर क्या करेगा, हमारा रिवर के अंदर क्या हो जाएगा, मूव करना स्ट्रीम फ्लो फ्लो करेगा, मीन्स अप स्ट्रीम की तरफ, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में। तो इसी को बोलते हैं हम टाइडल बोल। और बिल्कुल आसान से है, जैसे मान लो ये हमारा ओशन है, यहाँ से ये रिवर आ रही है, ठीक है, ये हमारा ओशन वाटर ऐसे चला और ये हमारा रिवर में घुस गया अंदर, ठीक है। ऐसे रिवर के क्या हो गया, रिवर में मूव करना स्टार्ट कर देता है अप स्ट्रीम की तरफ ऐसे करके, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम टाइडल बोल, ठीक है। अब देखो इसमें सी वाटर मूव इन द रिवर बाय अप स्ट्रीम, जो हमारा सी वाटर है वो क्या करता है, हमारा रिवर में क्या करना, मूव करना स्टार्ट कर देता है, एंड स्टीप वॉल क्रिएट। अब स्टीप वॉल क्रिएट हो जाते हैं, कैसे स्टीप वॉल क्रिएट हो गए, देखो जैसे हमारा ये था भाई, ये ओशन हो गया, यहाँ पे ये रिवर आ गई, ठीक है, एंड ये चला यहाँ से हमारा ये ओशन वाटर। तो ओशन वाटर इधर से चल रहा है, इधर से तो कहीं ना कहीं से तो हमारे यहाँ से हमारा रिवर का वाटर भी तो आ रहा है, तो रिवर वाटर ऐसे आएगा इधर से, आपस में टकराएगा, ठीक है। तो टकराने के बाद में यहाँ एक वोल्ट टाइप कैसे क्रिएट हो जाएगी, स्टीप वॉल टाइप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एंड इस पूरे एरिया को बोलते हैं हम टाइडल बोर, ये वाला एरिया जहाँ पे हमारा ओशन वाटर मूव कर रहा है ना अपने स्ट्रीम साइड पे, तो उसको हम टाइडल बोर बोलते हैं। एंड स्ट्रीप जो हमारे स्टीप वॉल ऐसे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इधर से हमारा रिवर वाटर आ रहा है, एंड इधर से हमारा ओशन वाटर आ रहा है, तो यहाँ पे एक इस तरह की एक वॉल टाइप क्रिएट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्टीप वॉल, ठीक है। तो टाइडल वेव क्रिएटेड बाय टाइड्स, तो टाइडल वेव है हमारी, टाइडल वेव किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, टाइड्स की वजह से क्रिएट हो रही है, एंड वो क्या करती है, हमारी मूव करना स्टार्ट कर देती है रिवर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल। और जो हमारा रिवर है, जो वो हमारे इसको जो अगर आइडल कंडीशन, इसको मतलब इसको फॉर्मड होने के लिए, आइडल तो नहीं, मतलब जो ये जो टाइडल वॉल होने के लिए जो हमारा रिवर है उसका जो वो नैरो होनी चाहिए, एंड उसका जो लेवल है रिवर का वो थोड़ा डाउन होना चाहिए, लो लेवल होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ओशन है तो जो रिवर आ रही है वो थोड़ी यहाँ से ऐसे ऐसे नैरो होने चाहिए, एंड इसका जो लेवल है वो क्या होता है, लो होना चाहिए, तभी हमको ऐसे फिनोमिना देखने को मिलेंगे। रिक्वायर्ड अ लार्ज टाइडल रेंज वेव हाइट एंड मोर देन द स्मॉलर, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि हमारा जो टाइडल रेंज है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जो मतलब उसकी जो हाइट है ना वो 5 मीटर से भी ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ लिखी है ना मैंने कि जो रिक्वायर्ड लार्ज टाइडल रेंज वेव लेंथ ऑफ द मोर देन द 5 मीटर, इसके लिए क्या है कि हमारे जो वेव लेंथ है उसकी वो 5 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एंड वो मैंने दोबारा से डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे हमारा ये हमारा ओशन है, ठीक है, यहाँ से हमारा ओशन वाटर मूव कर रहा है, इधर से हमारा रिवर का वाटर आ रहा है, एंड यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक स्टीप वॉल क्रिएट हो रही है, ठीक है। एंड वाटर को ना, जो ओशन वाटर के ऐसे मूवमेंट होने को ही जो हमारे एक वॉल टाइप के हमारे क्रिएट हो गए, जिसको क्या बोलते हैं, टाइडल बोर बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है अमेजन रिवर इन द साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका हमारी अमेजन रिवर है वहाँ पर हमको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिप करंट क्या होती है, देखो तो रिप करंट के केस में मान चलो कि ये हमारा बीच है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बीच है, ये पूरा हमारा यहाँ पे ओशन है, तो यहाँ से कुछ करंट ऐसे चलती है, ऐसे आएगी, ठीक है, देन हमारे इस बीच पर टकराएगी, टकराने के बाद वो सडन ऐसे मूव हो जाएगी, देन ऐसे हमारा वापस ओशन की तरफ भागेगी, ऐसे आएगी टकराने के बाद ऐसे भागेगी, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ से पहले ये वेव्स आ रही हैं, इस तरफ से भी आ रही है, देन ऐसे बीच पर टकराएगी, देन का मूवमेंट ऐसे हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एंड वापस ये क्या करेंगी, हमारा इनकी डायरेक्शन ओशन की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं करंट को बोलते हैं हम रिप करंट्स, ठीक है। सो ये सब कुछ था इसके बारे में, ओशन टाइड्स के बारे में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो, आपको किसी कोई कंसेप्ट समझ में ना आया, तो आप वही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट में इसको कवर कर लूँगा। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।